चार दशक तक जून से नवंबर तक पूर्वांचल के मासूमों के लिए काल का पर्याय रही एंसेफलाइटिस की रफ्तार 2017 के बाद तेजी से थमती गई है। सरकारी आंकड़ों की पड़ताल कर और धरातल पर बढ़ती तस्वीर देख कोई भी इस हकीकत से रूबरू हो सकता है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार की इस उपलब्धि से भी विपक्षी दलों पर वार कर उन्हें निरुत्तर कर रही है। एंसेफलाइटिस के कहर काल में तत्कालीन सरकारों की तंद्रा तोड़ने के लिए जबरदस्त आंदोलन करने का मामला रहा हो या फिर मुख्यमंत्री बनने पर नैनिहालों के लिए काल का पर्याय इस बीमारी पर सफलतापूर्वक नकेल कसने की बात, दोनों ही भूमिकाओं में योगी आदित्यनाथ बेजोड़ रहे हैं। चार दशक तक उत्तर प्रदेश के 38 जिलों विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौनिहालों के लिए मौत का पर्याय थी एंसेफलाइटिस। पूर्वांचल में 1978 में पहली बार दस्तक देने वाली इस विषाणु जनित बीमारी से 2017 तक लगभग 50,000 से अधिक बच्चे असमय काल के गाल में समा चुके थे और लगभग 75,000 बच्चे आजीवन शारीरिक या मानसिक विकलांगता झेलने को विवश हो चुके थे। तत्कालीन प्रदेश सरकारों के उपेक्षित भाव के कारण वर्षों तक निर्दोष बच्चों के काल के गाल में समाते रहने की नियति बन चुकी थी। 1978 से लेकर 2016 तक मध्य जून से मध्य नवंबर के 5 महीने गोरखपुर और बस्ती मंडल के लोगों खासकर गरीब ग्रामीण जनता पर बहुत भारी गुजरते थे। भय इस बात का था कि ना जाने कब उनके घर के चिराग को एंसेफलाइटिस का झोंका बुझा दे। इस महामारी से निजात के लिए तत्कालीन सांसद एवं गोरखपीठ अधीश्वर योगी आदित्यनाथ के सड़क से संसद तक का संघर्ष देख सबने देखा है। 1998 में संसद में पहली बार इस बीमारी का मुद्दा उठाने वाले सांसद योगी आदित्यनाथ ने तत्कालीन सत्ताधीशों की तंद्रा तोड़ने की कड़ी धूप में मेडिकल कॉलेज से जिलाधिकारी और कमिश्नर दफ्तर तक पैदल मार्च किया। उनकी आंखों ने मेडिकल कॉलेज में मासूमों की मौत का खौफनाक मंजर और अपने प्राण प्रिय बच्चों के मृत शरीर के साथ बिलकती माताओं को भी देखा। 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करते ही योगी ने इस बीमारी के कारण निवारण आदि को जानने के बाद उसे जड़ से मिटाने का संकल्प लेकर स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के साथ ही शुद्ध पेयजल और जागरूकता अभियान को मजबूत हथियार माना। इसी ध्येय के साथ उन्होंने एंसेफलाइटिस समेत सभी संचारी रोगों की रोकथाम के लिए दस्तक अभियान का सूत्रपात किया। स्वास्थ्य शिक्षा ग्रामीण विभाग पंचायती राज महिला एवं बाल कल्याण आदि विभागों को जोड़ा और जनता को एंसेफलाइटिस के खिलाफ जागरूक करने की जिम्मेदारी दी। अपने समन्वित प्रयासों के द्वारा कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के दौर में भी अपनी ठोस और धरातलीय योजनाओं से योगी सरकार ने इस पर 95% तक काबू पा लिया है। पिछले 5 वर्षों में एंसेफलाइटिस से मरने वालों का आंकड़ा लगातार सिकुड़ता गया है। एक दौर था जब गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के एंसेफलाइटिस वार्ड में हृदय को भेदती चीखों के बीच एक बेड पर 3 से 4 बच्चे भर्ती नजर आते थे। आज इस वार्ड में अधिकतर बेड खाली नजर आते हैं और जिस पर मरीज देखेंगे वे भी सुकून में नजर आते हैं। यह सिर्फ इस वजह से संभव हुआ है क्योंकि सांसद के रूप में योगी ने इस महामारी को काफी करीब से देखा और मुख्यमंत्री बनते अपने टॉप एजेंडा में एंसेफलाइटिस उन्मूलन को शामिल किया। 1978 से 2016 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 1200 से 1500 बच्चे एंसेफलाइटिस के कुर्ब पंजे में आकर दम तोड़ देते थे। सरकारी तंत्र की बेपरवाही से 2016 तक कामोवेश मौत की यह सालाना इबारत लिखी जाती रही। मौत के इस खेल में सिर्फ बदलाव बीमारी के नए स्वरूप का हुआ। जापानी एंसेफलाइटिस जेई के नाम से शुरू यह बीमारी अब एक्यूट एंसेफलाइटिस सिंड्रोम AES के रूप में भी नैनिहालों की जान की दुश्मन बन गई। 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने एंसेफलाइटिस प्रभावित बच्चों के इलाज की व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ ही बीमारी की जड़ पर दस्तक देना शुरू किया। इलाज के लिए जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PSC व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों CSC पर एंसेफलाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर ETC बनाए गए, वहीं गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। CSC पर
पीडियाट्रिक आईसीयू पीकू बनाए गए। ब्लॉक स्तर पर ही इलाज का इंतजाम होने से रोगियों को त्वरित चिकित्सा सुविधा मिली। वहीं इसके चलते बीआरडी मेडिकल कॉलेज पर पढ़ने वाला भार भी कम हुआ। आज अकेले गोरखपुर में 9 सीएससी और 13 पीएससी समेत कुल 23 इंसेफ्लाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर पर्याप्त सुविधाओं के साथ इस बीमारी पर लगाम लगा रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 2018 में 80%, 2019 में 90% और 2020 व 21 में 95% की कमी आई और देखते ही देखते गोरखपुर समेत समूचा पूर्वांचल इंसेफ्लाइटिस से मुक्ति पाने में सफल रहा। योगी के नेतृत्व में इंसेफ्लाइटिस नियंत्रण की सफलता का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंचों से कर चुके हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 4 दशक 1978 से 2016 में अनुमानतः 50,000 बच्चे इंसेफ्लाइटिस से काल कवलित हुए। आंकड़ों के लिहाज से अकेले गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 2016 में यहां 1,765 इंसेफ्लाइटिस मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 466 की मौत हो गई थी। योगी के सीएम बनने के बाद गोरखपुर में एईएस के 817 और जेई के 52 मरीज मिले। मरीजों की संख्या कम होने के साथ ही मौतों की संख्या में भी कमी आई। गोरखपुर में 2017 में मौतों जेई व एईएस दोनों का ग्राफ घटकर 124 पर आ गया। दस्तक अभियान सुदृढ़ चिकित्सा सुविधाओं से इसमें लगातार गिरावट आती गई। 2020 में जेई व एईएस मिलाकर 240 मरीज भर्ती हुए, मौतों का आंकड़ा भी गिरकर 15 पर सिमट गया। 2021 में गोरखपुर में एईएस के सिर्फ 219 मरीज आए, जिनमें से 15 ने दम तोड़ दिया, जबकि जेई से कोई मौत नहीं हुई है।